हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी घर है ना, पूरा सुनसान है क्योंकि रंजीत भाई ऑफिस गए हैं और ऋतु और श्री है ना भी स्कूल गए हैं। और ये हमारा बरौड़ा से ले लिया हुआ सामान, दोहर और बेड से जोली थी वो सब यहाँ पे रखा है। ये सब मैं गुजराती चैनल में दिखाऊंगी, आप किसी को देखना हो तो। ये सब किंग कोयल के हैं और बहुत ही अच्छा मटेरियल आता है इनका, मुझे तो बहुत पसंद आया। कल रात को है ना बहुत ही लेट हो गया था, शायद 11 बज गए होंगे। और उनके बाद घर आके फ्रेश हुए सब लोग, बैठे तो एक आध घंटा और निकल गया। तो आज उठने में भी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मॉर्निंग के 7 बजे तो उनकी स्कूल होती है, तो वो दोनों भी स्कूल गए हैं। शायद 1:30 बजे तो आ जाएंगे दोनों, उनके बाद वीडियो बनाएंगे दोनों का। लेकिन कल है ना बहुत ही थक गए थे क्योंकि पूरे दिन ऐसे घूमे और रात को भी फिर लेट हो गया था सोने में भी। तो अभी रूटीन का तो सब काम हो गया है, मैंने और जसो दीदी ने जल्दी से निपटा दिया है, फ्री हो गए हैं। बस आज जल्दी रसोई बनानी है क्योंकि खाने के बाद जयदीप और जसो दीदी दोनों मार्केट में जाने वाले हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए। और फिर कल जसो दीदी को बाहर जाना है इसलिए आज ही लेना पड़ेगा, इसलिए खाने के बाद तुरंत ही निकल जाएंगे दोनों। और मैं भी साथ में जाने वाली थी लेकिन मुझे अभी वीडियो एडिटिंग का काम थोड़ा बाकी है ना, और फिर आके थक जाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा बनाने में, तो फिर मैं नहीं जा रही हूँ। अब श्रीहान आ जाएगा, श्रीहान को साथ में जाना है, तो सो वो तीनों खाना खाने के बाद तुरंत निकल जाएंगे मार्केट में। तो चलो अभी मैं भी ये अभी कौन आया है, आओ मस अभी बर्तन क्लीन करने के लिए मासी आई है। और अभी मैं और जसो दीदी भी रसोई बनाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 1:30 बजे तो बच्चे भी आ जाएंगे, तो उनके पहले ही बना लेते हैं। तो चलो गाइस, अभी के लिए आप सबको बाय। तो ये है ना मेरी ननद है सिस्टर इन लॉ, नींबू शरबत या रस, सेड़ी ना रस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, इतने सारे फ्रूट। अभी अब हम आवाज ले आइए ब्लैक वाला काचा घरे पकवीए, आई बंसी आती पहला रेड नाश्तो ना बधु फ्रूट्स ये सब अभी जसो दीदी लेके आए हैं। और मेरे हस्बैंड को कहाँ रख के आए, पार्किंग में फंस गया। हाँ तमें पीधो रस, मेरा फेवरेट गन्ने का रस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हेलो श्रीनु, हेलो श्रीनु। ओ नो, ये क्या हुआ है? अभी है ना घर पे सभी लोग सो गए हैं, सिर्फ मैं और श्रीनु जग रहे हैं। मैं आप सबको दिखाती हूँ श्रीनु, तुम तो यहाँ पे है ना, ऋतु सो गई तो यहाँ पे ये ऋतु, ये देखो ये मेरी बहन का मेरा टाइम, कितना गुड बॉय है श्रीनु। यहाँ पे चाय बनाने रखी है। हाँ हेलो, तो अभी हम सब ने तो गन्ने का रस पी लिया लेकिन जयदीप ने नहीं पिया था क्योंकि जयदीप को चाय पीनी थी। जयदीप को शाम के वक्त चाय पिए तो ही अच्छा रहता है, मूड अच्छा रहता है शाम के वक्त चाय पीने से जयदीप का। तो जयदीप ने रस नहीं पिया इसलिए जयदीप के लिए अभी यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और यहाँ पे श्रीनु को देखो, स्पेशल दाढ़ी काटी है ये श्रीनु, इसके बदले में क्या खा रहा है? अनिल भी, अनिल भी ठीक है, चल दो। ये लड़का है ना बहुत ही शैतानी है, ये जितना मस्त लगता है ना उतना ही ज्यादा परेशान करता है ये लड़का। गुड बॉय है ना, गुड बॉय ना जी, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। श्रीहान छोटा था ना तो बहुत ज्यादा क्यूट और हेल्दी हेल्दी गोलो मोलो था, अभी तो पतला पतला हो गया है। और ये ना जूनागढ़ जाके श्रीहान की सर्विस करनी है और फिर से गोलो मोलो बनाना है, इतने बड़े बड़े गाल, ये गाल है ना ये सारे खिच खिच के बड़े बड़े गाल खा जीरो वीडियो में है तो चलो नहीं खेलते हम श्रीहान के गाल, पीछे जाके श्रीहान के गाल खेलते हैं। ખેંચી લીધા કેવાય ગાંડું,
અને ચીટલા ભેરા કે એને ગાલ ખેંચે ગાલ આમ ખેંચે આમ આમ ખેંચે તો ચલો અભી ચાય પકને આઈએ એ ગાલ ખેંચને કે ચક્કર ભીએ ચાય બોલ જાયગી तो अभी जेरी भी नहा के आ गया और जेरी को चाय नहीं पीनी है दो साल बाद दो साल बाद ना क्या यार ये लड़का रुतु में यार 10 मिनट लगी हमें तो दो साल से लगे ये लो आपकी चाय रेडी है मस्त गर्मा गर्म चलो तो अभी जवाने निकाल लेते हैं वाह मारा खाने की एक चॉइस सेम चॉइस हाँ करेक्ट जे कहीं नहीं ना हमरा श्रीहान एडिशन में मुकी ना ये ना खिकड़ी मरी गई नाक बंद है क्यों हेलो ये फोन एकदम दम आ पार्सो को नहीं बैठ रहा यहां बंद है क्यों यार यहां पे अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है इवनिंग का गन्ने का रस अच्छा था यहाँ पे भी ओरिजिनल गन्ने का रस मिलता है तुमको अच्छा लगा था हाँ अरे मुझे है ना ये चावड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन उनके अंदर जो ये गाठिए आते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है और तो अभी वेट कर रही है कि शांति मामी खड़े हो तो मैं ब्रेकफास्ट करने बैठू आ जाओ पर तो है ना ट्यूशन से आके डायरेक्ट क्लास करने बैठ गई फिर से होमवर्क करने तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छे है अभी 9th स्टैंडर्ड में हो ना तुम अच्छे है कर्सो राइटिंग तेरे कर्स्यू राइटिंग कर कलर की पेन प्रोजेक्ट बनाना है हमारे कॉलेज सुधी प्रोजेक्ट बनाना आता नहीं कॉलेज में थे स्टार्ट है प्रोजेक्ट बनाना असाइनमेंट ओके ये कौन है ये श्रीहान है गद्दा ओढ़ के सो गया ओ गद्दा ओढ़ के सो गया इतनी ठंड लग रही है आपको मैं श्रीनो चल चल हमारे के रिसाणो नथी तो એને ફેવરિટ મામો છે પણ શ્રીહાન થાકી ગયો છે સ્કૂલે ગયો તો ને રાતે એમ છે તો તો અન સવારે વેલો ઉઠ્યો તો હે શ્રીને કીધું તો કે આપણે બપોરે સૂઈ જશું પણ શ્રીહાન ના સૂતો ચાલો પોતા માટે ચાલો જમી લઈએ ચાલો આ શ્રીનો ટીક 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 એ મને ગતિ બી નહીં કરવા આવતો તો ભૂલી ગયો તો શું શ્રીનો હે શ્રીનો એ ક્યુટુ ક્યુટુ શ્રીયન તું નાનો હતો તો મેં તને રમાડ્યો નતો એવું ન ચાલ્યો મેં તને રમાડવો છે આમ થઈ જાય ને હું તને રમાડું નાનો નાનો બેબી હતો ત્યારે હું તને કેમ રમાડે તને ખબર એમ કરે શ્રીહાન પછી તો અમે હા કરતો હોય શ્રીહાન શ્રીહાન આમ કરતા હોય નાના છોકરા હોય ને નાના બેબી હોય ને